लंच मेनू ये है एक सब्जी, ये फर्स्ट टाइम मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। ये लौकी का छिलका है, उसी के साथ सब्जी बनाया है। ये लौकी है, प्रॉन के साथ बनाया है, और ये दाल है, ठीक है। अच्छा, इसका रेसिपी मैंने शेयर किया है, आप जाके वो देख। ये है लौकी का छिलका, जिसको मैंने ऐसे बारीक बारीक काटा, लंबा लंबा काटोगे तो भी चलेगा, मैंने छोटा छोटा काटा है। और उसके साथ मैंने यहाँ पे लिया है सेम तरीके से बारीक बारीक काटा हुआ आलू, और लिया है मैंने प्याज और कुछ चॉप्ड ग्रीन चिली। और इसको जो है ना, इस छिलके को मैं थोड़ा सा स्टीम में लगा दूंगी। कढ़ाई गरम हो गया है, मैं यहाँ पे डालूंगी सरसों का तेल। सरसों के तेल में ये बनता है, अच्छा लगेगा। डालूंगी कलौंजी, सूखी लाल मिर्ची, कटे हुए आलू और प्याज डाल देंगे। इसको अब मैं 50% फ्राई कर लूँगी पहले। आलू यहाँ पे 50% फ्राई हो चुका है, मैं यहाँ पे डाल दूंगी और इसका बॉईल किया हुआ लौकी का छिलका। नमक मैंने पहले ही ऐड कर दिया था, अभी हल्दी ऐड करेंगे। अभी हम कुछ मिनट में फ्राई करेंगे आलू को। अगर आपके पास छिलके की क्वांटिटी ज़्यादा है तो बिना आलू के भी आप बना सकते हो। मेरे पास एक ही लौकी का छिलका था, थोड़ा सा था, तो इसलिए आलू ऐड किया। अभी और कुछ नहीं, इसको हल्का फ्राई फ्राई करके बस हो गया। इसके ऊपर आप धनिया का पत्ता भी ऐड कर सकते हो, या फिर ड्राई खसखस भी ऐड कर सकते हो, और भी स्वाद लाने के लिए। अदरवाइज यही काफ़ी है, अच्छा लगता है गर्म राइस के साथ। अब देखो ये बहुत अच्छे से तैयार हो चुका है, एकदम खाने लायक। मुझे नहीं पता आप ये खाते हो कि नहीं, हमारे इधर तो ये खाया जाता है और बहुत ही टेस्टी बनता है। अगर नहीं खाया है, बना के एक बार ज़रूर ट्राई करना, रोटी के साथ भी अच्छा लगता है। ओके, तो कल है आनू का फाइन आर्ट्स एग्ज़ाम पेपर 2, है ना आनू? यस। तो आनू अभी एक्सपेरिमेंट कर रही है, और ये वाला नया बॉक्स पापा से मंगवा के लेके आई है। चल खोल दे, 36 कलर है इसमें, मुझे बहुत पसंद आया। एक्चुअली मैं एक टाइम पे बहुत ड्राइंग पसंद करती थी, मुझे बहुत अच्छा लगे, खजाना है कलर का, देखो है ना, सो मैनी कलर्स। ये कुछ ब्राउन फैमिली का है, ग्रीन फैमिली, ब्लू फैमिली, रेड फैमिली, येलो फैमिली, बहुत बहुत सारा है। चल आनो आज एक अच्छा सा ड्राइंग कर दे, सबको दिखाऊंगी। ओके चलो, अब लंच के बाद ड्राइंग का काम। ये है बाकी सब कलर, देख लिया सारे के सारे कलर्स कितने सुंदर सुंदर है, 36 शेड्स है इसमें। ये है आनू की ड्राइंग आज के लिए, जो वो कलर टेस्ट कर रही थी ना, तो उसी से बनाए हैं। कैसा बना है आप ज़रूर बताइएगा, बहुत दिनों के बाद आनू ने ड्राइंग किया है, अच्छा लग रहा है आनू, बहुत अच्छा है। आज एक बहुत अच्छा लाल साग की बंडल मिली है, ये देखो। बट ना इसमें बहुत ज़्यादा मिट्टियाँ लगे हुए होते हैं ना, तो इसलिए मैं आसान तरीका दिखाती हूँ। मैं हमेशा ऐसे ही करती हूँ, ये बेसिन का जो होल है उसको ना मैं बंद कर देती हूँ, और पानी में ये साग को डिप करके रख देती हूँ कुछ देर के लिए। वैसे भी तो इसको धोना पड़ेगा, अगर इस तरीके से आप इसको धोगे ना, तो इसका जो मिट्टी का जो डर्ट है वो निकल के आ जाएगा, और आप फ्रेश लीव्स यहाँ पर चुन सकते हो, इसे पानी भी ज़्यादा नहीं होता। और आजकल बैंगलोर में पानी की जो कमी है वो बहुत ज़्यादा डरावना हो रहा है। हमारे इधर इस एरिया में अभी तक कुछ प्रॉब्लम तो स्टार्ट नहीं हुआ है, लेकिन आसपास के एरिया पेपर में, न्यूज़ चैनल्स में, और कुछ दोस्तों से भी जानकारी मिल रही है कि वहाँ पे पानी के बहुत 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 ज़्यादा दिक्कत हो रही है। दिन में पता नहीं कितने टैंकर्स आ रहे हैं, जो बड़े बड़े हाई राइजेस हैं ना, उसमें बूंद बूंद पानी के लिए लोग तरस रहे हैं। एक एक बाल्टी पानी 1,000-1,500 में बिक रहा है, सो ये एक बहुत बड़ी दिक्कत की बात। लास्ट ईयर भी थोड़ा बहुत था, लास्ट ईयर भी था, इस साल तो शुरू से ही स्टार्ट हो गया। पता नहीं कैसे संभालेंगे, बूंद बूंद पानी कैसे बचाना है, कैसे संभाल के यूज़ करना है। हालांकि अभी तक हमारे इधर कुछ प्रॉब्लम नहीं है, हम तो यूज़ कर सकते हैं, लेकिन फिर भी हमें भी बचाना है, थोड़ा थोड़ा करके हम सबको बचाना है पानी, ताकि थोड़ा बहुत सेविंग्स हो, थोड़ा बहुत बचत हो जाए। जो चीज़ चाहिए होगा वो तो करना ही पड़ेगा ना, जैसे ये सब सब्जियाँ दो, जितना मतलब आप बचा के कर सकते हो उतना ही अच्छा है। बाय द वे, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू द चैनल। कुछ दिनों की गैप हो गई है, एक्चुअली मैं भी बिजी थी, और आनू जब घर पे पढ़ाई कर रही है, मैं
बात करना पसंद नहीं करती हूँ, इसलिए डोर वोर बंद करने में उसको सुनाई नहीं देगी, फिर भी मुझे अंदर से वो फील नहीं आती है। सोचा थोड़ा थोड़ा गैप लेके ही आपसे मिलती हूँ, यही है बात। आप भी बिजी होंगे, आपके बच्चे भी, कुछ मेरे दोस्तों के बच्चे भी बोर्ड्स दे रहे हैं। कैसे चल रहा है बोर्ड्स? आशा करती हूँ अच्छा ही चल रहा है और वो सब हेल्दी है, अच्छे है, फिट है, तंदुरुस्त है। सही है बात। चलो आज का दिन स्टार्ट करते हैं। जो मैं पिछला वाला वीडियो आपके साथ शेयर किया वो एक्चुअली आप पसंद करते हो, आनू के ड्राइंग्स देखना आनू को पसंद करते हो, तो मैंने सोचा अगर तू ड्राइंग कर ही रही है तो मैं अपने दोस्तों को आंटियों को दिखाती हूँ, सब देखना चाहते हो, तो इसलिए यह बात। बहुत दिनों के बाद आनू ने ड्राइंग किया था, सो मैंने सजा के रख दिया है ड्राइंग रूम में उसकी ड्राइंग। सो चलो सब्जियाँ काटूंगी। उधर लाल साग भिगोया है, इधर ये है इंचोड़ रॉ जैकफ्रूट। देखिए इतना अच्छा लगा था, मैं लेके आ गई थी। अभी रोज मैं सोचती हूँ आज नहीं कल बनाऊंगी, आज कल करते करते बेचारे थक गए। अभी इसको मुझे ठिकाना लगाना ही पड़ेगा, इसको अच्छे से बनाऊंगी, आज के पूरा ही बना लूंगी आज। और ये देखो जैकफ्रूट को काटने के लिए मैंने ले लिया है थोड़ा सा मस्टर्ड ऑयल, और ये जो अनयूज्ड ये टेबल मैट होते हैं ना उसको लिया है, ताकि मतलब नीचे गम वगैरह। क्या कर रही है? दूध पी के आई है, मुझे दिखाने जा। ऑलमोस्ट मतलब भूना हो चुका है, ये बस पानी ही डालूंगी, लेकिन उससे पहले ना किसी भी चीज़ को भूनना बहुत जरूरी है, तो वही चल रहा है। और इधर आज ब्रेकफास्ट में बनेगा छेने का पराठा या फिर पनीर का पराठा बोल सकते हो। छेने के साथ मैंने यहाँ पे मिलाया है प्याज, हरा धनिया, ग्रीन चिली, जीरा पाउडर, चाट मसाला यहाँ पे डाल सकते हो, लेकिन उसका स्मेल मुझे अच्छा नहीं लग रहा। मैंने यहाँ पे गरम मसाला डाला है और मैंने यहाँ पे डाला है थोड़ा सा लाल मिर्ची पाउडर, नमक और थोड़ा सा शुगर। बस इसको कुछ इस तरीके से मिक्स करके रख दिया है। आप पनीर को ग्रेट करके भी बना सकते हो, मैंने फ्रेश छेना बनाया था उसी से बनाया है। और इसको गोले बना के रख देना, जितना पराठा आप बनाओगे उसके अंदर स्टफिंग भरो और पराठा बनाओ। यहाँ पे ये पराठा इसके अंदर आटा गूंथ के रख लिया। आनू की छुट्टी है, स्टडी लीव, और वो भी घर से ही काम कर रहे हैं, तो मैंने सोचा कि आज कुछ ऐसा हैवी ब्रेकफास्ट बनाते हैं। अदरवाइज़ क्या होता है ना, वो जब ऑफिस का काम घर पे करते हैं, वैसे वो ऑफिस हर रोज़ ही जाते हैं, एक आधा दिन अगर घर से करते हैं तो उनका मतलब लंच का कुछ ठिकाना नहीं रहता, उनके साथ मैं भी वेट करती हूँ, तो मैं चाहती हूँ कि ब्रेकफास्ट थोड़ा सा हैवी हो, लाइक 3:30 पौने चार ऐसे इस टाइम पे हमारा लंच होता है, सो इसलिए कुछ हैवी ब्रेकफास्ट करना ज़रूरी है। ठीक है, बाहर गर्मी बढ़ रही है, आप देख सकते हो धूप कितना ज़्यादा है, देखो कितना मस्त कलर आया है ना इसमें। चलो इसको ढक देते हैं बाबा। साथ दो दो पराठा सीख रहा है। कोई किचन में हाजिर हो गई है। आनू धुंधला क्यों दिख रही है आनू? चलो ठीक है, पराठा खा के क्लियर हो जाएगी। तो क्या खुशबू आ रहा है, ओ क्या पराठा बनाया है। अचार के साथ पराठा, दही के साथ पराठा, किस किस को कौन किस के साथ पसंद है मुझे जरूर बताइएगा। पराठा बहुत ज़्यादा सीखने से ना हार्ड हो जाता है, तो थोड़ा नरम नरम ऐसे चीज सीख के पराठा बनाना चाहिए। हाँ, ये आलू का ऑलमोस्ट फिनिश, ये मेरा लास्ट वाला, एक एक्स्ट्रा बना था इसलिए हाफ हाफ सबको मिला है। ये है अंदर का नज़ारा, अंदर मैंने ठूस ठूस के भरा था स्टफिंग, बहुत ही टेस्टी लग रहा है, बहुत मस्त बना है, ट्राई करो। देखो फूल में कितने सारे छोटे छोटे इंडिया हैं, ब्लैक कलर के एक फूल और कितने सारे माली, क्या बोलो। देखो अंदर पता नहीं क्यों छुपे रहते हैं, तो एक ठीला है आज, तो मैंने पूजा कर लिया है, ये रख रही हूँ आनू देखिए। ये कैमरा फोकस कर पा रहा है, ये देख रहे हो आप, ये जो छोटे छोटे फूल खिले हैं ना इस वक्त, ये वाले फूल खिलते हैं ये बसंत के टाइम पे, और कितने सारे मधुमक्खियाँ, एक भिनी भिनी खुशबू है, एक मीठी सी खुशबू है, और बस अभी खुशबू से खींचे चले जाते हैं। और इधर देखो इतने सारे भिन भिन आ रहे हैं, और उसके साथ साथ एक तेज़ हवा भी है, बस अंदर आ जाते हैं। एक आ भी चुका है किचन के अंदर, घूम रहा है, मैंने विंडो खोल दिया है, सब खोल दिया, बाहर नहीं जा रहा है। अभी अंधेरा जब हो जाएगा ना तब तो और भी नहीं जाए, एक भी अगर ऐसा कुछ घुस जाता है ना घर के अंदर, उधर छुप जाती है आनू, तो एक बार काटेगा ना बस दिन में तारे नजर आएंगे हमारे। ये मैंने खोल रखा है, समझ में नहीं आ रहा है बाहर गया कि नहीं,
कल मैंने कोई वीडियो शूट नहीं किया था, लेकिन कल मैंने एक चीज़ बनाया था, वो है एग बिरयानी। बहुत दिनों से मन कर रहा था कुछ अलग खाने का, कुछ अलग खाने का। मैंने शूट भी नहीं किया, बिरयानी इतना अच्छा बना था, इतना अच्छा बना था। एकदम क्विक बिरयानी रेसिपी मैं ज़रूर आपके साथ शेयर करूँगी। बहुत टेस्टी बना था एग बिरयानी, दिमाग से निकल गया। नेक्स्ट टाइम जब बनाऊँगी तो आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी, ज़रूर ज़रूर। बाय द वे, मैंने फिर से काला टॉप पहन लिया, मुझे ब्लैक कलर अच्छा लगता है। इधर से इतनी सारी गाड़ियाँ जाती हैं ना, आपके साथ बात क्या करती। इसी हांडी में बनाया था, इसमें आराम से 4-5 लोगों के लिए बिरयानी बन जाएगी। ये किसका था, बहुत अच्छा है बिरयानी, बिरयानी बनाने के लिए तो एकदम एक्सेलेंट। रिसेंटली मैंने ये वाला पैंट खरीदा है, बहुत अच्छा है, गो कलर्स का, कंफर्टेबल है, बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल है। और ना बैठने के बाद ये घुटने की जगह पे ऐसे गोल टाइप का बन जाता है अगर दूसरा मटेरियल लेंगे तो। ऐसा मेरे पास पहले भी था तो मैंने इसलिए लिया है, ये भी लिया है, इसके साथ एक और लिया है, और इसलिए इसके साथ मैचिंग करके मैंने ये ब्लैक कलर का टॉप पहन लिया। और बाय द वे, आनु नहाने गई है, नहा के आएगी, फिर उसके बाद हम लंच करेंगे। आपको तो दिखाई दिया है मैंने आज क्या बनाया है लंच के लिए, फिर भी जब करेंगे उस टाइम पे दिखा देंगे एकदम फाइनल क्या क्या बनाया है आज। वैसे वो पनीर का पराठा जो मैंने बनाया था ना मॉर्निंग में, मस्त बना था, मस्त बहुत टेस्टी बना था। पनीर अगर घर पे नहीं है तो थोड़ा सा छेना बना लो, और छेना अगर थोड़ा सा है उसके साथ बॉयल पोटैटो भी मैश करके आप उसके साथ ही बना सकते हो, बहुत अच्छा बनता है, ट्राई करके देखना एक बार। हाँ, गरम मसाला पाउडर ज़रूर देना, अगर गरम मसाला पाउडर नहीं देना चाहते थोड़ा सा पाव भाजी मसाला भी ऐड कर सकते हो, अच्छा लगेगा। और हाँ, हाथ जल गया था, देख सकते हो, शायद फोकस नहीं कर रहा कैमरा, अभी तो ठीक हो गया है, थोड़ा सा हल्का सा एक मार्क है, वो भी चला जाएगा धीरे धीरे। यह वीडियो देखने के बाद दोनों मम्मियाँ बहुत परेशान हो गई थी, मैंने तो बताया नहीं था, वीडियो से पता चला था, बस और क्या बताऊँ, घर में कलेश मच गया। मेरी मम्मी तो रोने लगी थी, क्या बताऊँ कुछ बताना मतलब बहुत सोचना पड़ता। यस, तो अभी है लंच टाइम, ये देखो मैंने यहाँ पे बनाया है लाल साग, पूरा बनाती तो अच्छा होता, आधा बनाया है। और ये है फिश कलंजी सरसों और खसखस के साथ, वो पेस्ट बनाया था मस्टर्ड सरसों का पेस्ट, उसी से बनाया है, बहुत ही अच्छा खुशबू आ रहा है इसमें से। और ये तो आपने देखा ही है बना रही थी मैं, ये चूड़े तरकारी एकदम रॉ जैकफ्रूट, ये भी बहुत मस्त बना। तो चलिए अभी हम लोग कर लेते हैं लंच, उसके बाद आपसे मिलेंगे, उसके बाद कब मिलेंगे, कब मिलूँगी, मिल पाऊँगी वो अभी मैं नहीं बता सकती, लेकिन ज़रूर मिलूँगी जल्दी जल्दी। तो चलिए फटाफट, बहुत भूख लगी है। इधर से इधर, बस इधर कुछ खा रहा है क्या, फूल खा से ना कि देखो, ये फूल इतना पसंद है स्क्विरल्स को भी और मधुमक्खी। और ये हमारा शिवरात्रि वाला मिठाई का बॉक्स, बॉक्स के अंदर बस एक ही बचा है। चलो एग्जाम से पहले क्या देख रही हो तुम, देख लो, रिलैक्स होने के लिए ये देख रही है। टेंशन नहीं है, टेंशन देने का, चुप तो मैं हूँ, बस यही एक ही है, बस इसके बाद पढ़ाई, ठीक है, ठीक है। चलो देखो मेरा सिलेंडर आ रहा है, सिलेंडर बुक किया था, चलो तैयारी कर ले। बस गुड मॉर्निंग, आज एक नई सुबह है, नई मॉर्निंग है, गला बैठ रहा है मेरा। आज 15th of March है, आनू की एग्ज़ाम डे है, और पता है आज क्या है, आज है मैथ एग्ज़ाम। इतने दिनों के एग्ज़ाम में मैथ एग्ज़ाम मतलब डर तो लगता ही है थोड़ा बहुत, लेकिन आज एकदम बोर्ड एग्ज़ाम है, बोर्ड एग्ज़ाम। सो आनू जितना भी बोल रही है तैयार हो चुकी हूँ, उतना मुझे भी थोड़ा थोड़ा वो हो रहा है। तो सुबह सुबह मैंने तो सब काम काज कर लिया है, अभी के लिए जितना करना होता है वो मैं तो आपको बता चुकी हूँ ऑलरेडी, तो सब कर लिया है, आनु तैयार हो रही है, मैंने सबसे आपको बता देती हूँ। और आज का दिन मतलब कल पूरा दिन मैंने वीडियो नहीं किया, वो लास्ट डे की वीडियो थी, उसके बाद नेक्स्ट मतलब कल का दिन मैंने वीडियो नहीं किया। कल घर में एकदम थम थमाया सा माहौल था, तो समझ में आ रहा होगा मैथ एग्ज़ाम है और पूर्ण सिलेबस के ऊपर होता है तो और भी ज़्यादा टेंशन होती है। तो चलो ये बात, जितना भी आप तैयारी कर लो, हाँ मैथ एग्ज़ाम से पहले वो जो धुप होती है ना, क्या बताऊँ, तो वही चल रहा है। बस अभी 5-10 मिनट के अंदर हम निकलेंगे, और आज कुछ फेस्टिवल है शायद, सुबह से गाना बजाना शुरू हो गया है, मतलब भगवान जी के सॉन्ग सारे बज रहे हैं। तो चलो आनू को ड्रॉप करके आते हैं, ठीक है।
रेडी हो आप? एकदम। ऑल द बेस्ट। सुबह सुबह एकदम जीवन का एक खास एग्जाम देने जा रहे हो आप। हेलो, ऑल द बेस्ट। बाय। ভালো করে বাবু, বল ঠান্ডা। হ্যাঁ। ঘুরি করো না। आना को छोड़ के आई और कहाँ रुकी है, रुक गई। देखो इधर सब्जी लेना है, पूरा सब्जी मार्केट है, तो मैं इसलिए इधर रुक गई। सब्जी वब्जी लेंगे फिर घर जाएंगे, घर पे तो काम कर ही आई हूँ। फ्रूट्स ले लिया है, अभी मैं लूँगी सब्जी। ये है 20 का 4 और ये है 20 का 3। ना साइज में थोड़ा बड़ा है, अच्छा है मेरा। ये हो गया आज का मेरा सब्जी बाजार, अभी मैं नहीं खोल रही हूँ, इधर है इधर सब्जी। और सब्जी खरीद के मैं इतना खुश हो जाती हूँ ना, आपको क्या बताऊँ, मैं क्या बताऊँ क्या बताऊँ। एकदम ले लिया, लास्ट वीक भी लिया था और ये एक हफ्ता चल जाता है। आनू रानी की एग्जाम अभी तक स्टार्ट नहीं हुआ, एग्जाम 11 o'clock से स्टार्ट है और अभी बजा है 10:20, तो कुछ देर बाद आनू भी एग्जाम देने के लिए बैठ जाएगी। और होता है ना, घर बैठ के मैं सोचती हूँ अभी इस टाइम पे बैठे होंगे बच्चे। सो ठीक है, मैथ का सब्जेक्ट एक तरफ, मैथ एक तरफ मेरे लिए। आई नो आप सबके लिए भी शायद ऐसा है, कोई मैथ में इतना ज़्यादा अच्छा है ना, उन लोगों को मैथ के लिए इंतज़ार रहता है मैथ एग्ज़ाम कब आएगा। सो चलिए फिर आज का ब्लॉग मैं यहीं पे एंड कर देती हूँ, आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में मिलूँगी। तब तक के लिए बाय बाय, खुश रहना, हैप्पी रहना, अपने आप को तंदुरुस्त रखना। चलो टाटा। फल ना खाने से ज़्यादा सजाने में अच्छा लगता है मुझे, कलरफुल कलरफुल।